नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए समय की बहुत बड़ी अपडेट है वो निकल के आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा, रीट शिक्षक भर्ती के आपके एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, तो एडमिट कार्ड को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे, आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आज बीएड वालों के लिए या तो बुरी खबर आ सकती है या अच्छी खबर आ सकती है। हालांकि दोस्तों, बुरी खबर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्या है अपडेट दोस्तों, बीएड वालों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और नॉर्मलाइजेशन मुख्य पेपर के सिलेबस और पात्रता के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर बीएड वालों को लेकर मैं बात कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा, बीएड वालों को पहले लेवल फर्स्ट में शामिल किया गया था, लेकिन दोस्तों बाद में राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से बीएड वालों को लेवल फर्स्ट से बाहर कर दिया गया। और इसके बाद बीएड वाले छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और आज आपकी 19 जुलाई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला आएगा। जो आपकी बीएड लेवल फर्स्ट में शामिल करने का जो मामला था दोस्तों, उस पर सुनवाई होगी और आज आपके लिए निर्णय निकल के आएगा। बात करूँ दोस्तों एडमिट कार्ड को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, अब 23-24 जुलाई को परीक्षा है। ज़्यादा समय बचा नहीं है, सिर्फ 5 दिन का समय बचा है। जबकि दोस्तों परीक्षा से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। दोस्तों अब 5 दिन बचे हैं, छात्रों को अगर एग्जाम सेंटर नहीं पता होगा, मान लीजिए कोई एडमिट कार्ड में गलती होती है, तो वो उसे सुधार नहीं सकते। इसीलिए छात्रों ने कल मांग की और जो है दोस्तों राजस्थान रीट कार्यालय पर पहुँचे थे परीक्षार्थी, और आंदोलन किया गया यानी कि हंगामा किया गया। परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड करने की मांग कर रहे थे और बोर्ड ने क्या कहा है दोस्तों, बोर्ड प्रशासन ने 20 जुलाई तक प्रवेश पत्र अपलोड करने का आश्वासन दिया है। यानी कि दोस्तों 20 जुलाई तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। रीट परीक्षा का आयोजन 23 और 24 जुलाई को किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अभी तक जिला आवंटित किए गए हैं, लेकिन अभी स्थान आवंटित नहीं हुआ है कि आपके एग्जाम सेंटर किस स्कूल में कॉलेज में रहने वाला है, और बाकी सब दोस्तों यहाँ पर छात्रों को पता चल गया है। तो दोस्तों ये क्यों नहीं बताया गया है, ये नकल की वजह से ही नहीं बताया गया है, ताकि नकल को रोका जा सके। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो दोस्तों 4 दिन पहले या 3 दिन पहले ही रिलीज किए जाएंगे। 20 जुलाई को, 23-24 जुलाई को परीक्षा है। दोस्तों आप अपनी कंटिन्यूस तैयारी करते रहें, एडमिट कार्ड कल आपके साइड पर आ जाएंगे। और आज बीएड वालों के लिए बहुत बड़ा दिन रहेगा। अब मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेता हूँ, तो रीट पात्रता परीक्षा में भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेवल 2 वाले छात्रों के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, लेवल 1 वालों के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि लेवल 1 वालों की एक पारी में परीक्षा हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपकी जो लेवल 2 या बीएड वाले छात्रों की जो परीक्षा है वो आपकी 3 पारी में परीक्षा होगी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि तीनों पारियों का पेपर एक जैसा नहीं आएगा। खुद छात्र मांग करेंगे कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों 46,500 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। 15,000 पद लेवल 1 में है, 31,500 पद लेवल 2 में है। 23-24 जुलाई को परीक्षा है। 15,000 आपके जो 15,66,000 छात्र परीक्षा देंगे, इसमें से 13,65,000 राजस्थान के हैं, 2 लाख छात्र बाहरी राज्यों से हैं। तो दोस्तों इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। सबसे ज़्यादा एग्जाम देने वाले छात्रों की संख्या जयपुर में है, जयपुर में से 3 लाख छात्र परीक्षा देने वाले हैं। तो रीट को लेकर छात्र लंबे समय से 3-3 साल से 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। और ये पात्रता एग्जाम रहेगा दोस्तों, यानी कि इसमें आपको अगर आप 90 अंक या फिर इसमें आप 82 अंक ले आते हो, तो आपका रीट का जो पात्रता एग्जाम है वो पास हो जाएगा। इस बार आपको पेपर नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिलेगी। और ये दोस्तों फैसला लिया गया है, ये संशोधित विज्ञप्ति में देख सकते हैं दोस्तों। लेवल 2 का जो पेपर है वो 3 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा, क्योंकि लेवल 2 में फॉर्म आपके 12 लाख से ज़्यादा है और लेवल 1 में फॉर्म 4 लाख के आसपास है। आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। एडमिट कार्ड अगर आपके शाम तक आते हैं या कल आते हैं तो मैं आपको अपडेट करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।